नहीं अंकल, प्लीज प्लीज उसे कुछ मत करना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, मैं खुद उसके साथ आई हूँ, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए। प्लीज अंकल उसे छोड़ दीजिए, प्लीज अंकल उसे मत मारिए, मैं दोबारा कमीने मेरी भांजी को भगाकर तू यहाँ लाया, सचमुच तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर मर्द का बच्चा है तो ले, छू के दिखा, छू के दिखा। ये जानते हुए कि तुम्हारे जैसा राक्षस मुझे मारने के लिए यहाँ तक मेरा पीछा करेगा, मैं अकेला इसे मुंबई से वैजाग लेकर आया, इसका मतलब कोई तो है यहाँ जो मेरा साथ देने वाला है। अच्छा, देखते हैं कौन माइकालाल सामने आता है, बुला उसे, बुला। तूफान को बुलाने की जरूरत नहीं है, तूफान आता है और सब कुछ उड़ाकर ले जाता है, समझा? ये बात है तो फिर देखते हैं कहां से आएगा वो, धरती को फाड़ के आएगा या आसमान को चीर के। चल बुला उसको। लोग दुआ करते हैं कि यमराज का साया उन पर ना पड़े, तूने तो साक्षात मुझे बुला लिया। बवंडर जब आता है तो उसे किसी के इनविटेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो धरती का सीना फाड़ कर भी निकल आता है, तो किसको फाड़ूं? तुम आजकल के लौंडे आधा घंटा जिम जाकर पसीना बहाते हो और बाहर निकलकर सोचते हो कि किसी का भी खून बहा दोगे? खून बहाना नहीं, डोनेट करना सीखो। भाई रवि, तू अपनी शादी का बाजा बजा। अब इन गधों को कौन समझाएगा कि मेरे पंच के आगे इनकी हॉकी भी फीकी है। दिखाई देता हूँ। We'll be right back.
What's the problem? I think some programming problem. One sec. Great, Karthik. Thank you. Smoking is injurious to health. Bujha de use. अबे लुक है, किस गम में पी रहा है? पिछले 3 सालों से एक लड़की से प्यार करता हूँ। ना वो हाँ बोलती है, ना ही मना करती है। मैंने कहा कि मैं अपनी आदतें बदल दूंगा, लेकिन फिर भी वो मानती नहीं। अगर वो हाँ कर दे तो तू सिगरेट को ना कर देगा? शादी कोई ब्रॉडबैंड का कनेक्शन नहीं, जब चाह जोड़ दिया, जब चाह तोड़ दिया। लेक्चर सुनने का मूड नहीं है, मदद करेगा कि नहीं ये बोल। कनेक्शन कहाँ फिट करना है, एड्रेस बता। हेलो ए आलसियों की शहजादी, पता है टाइम क्या हुआ है? फॉरेनर्स के साथ पार्टी में गई थी क्या, जो अभी तक भैंस की तरह सो रही है? लाखों रुपए में फिरंगियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए भेजती हूँ क्या? फिर शुरू हो गई। सोचो अगर किसी फिरंगी लड़के से शादी कर ली तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। वैसे पैसे तो मेरे डैडी के हैं। तेरे डैडी के पास कहाँ से आए पैसे? मेरे डैडी ने तेरे डैडी को 200 एकड़ जमीन दी थी, तभी तो वो कुछ कमा पाते हैं। दहेज के नाम पर इतना भी मत इतराइए, आप ये ताना सुनाना कभी नहीं भूलती हैं। अच्छा ठीक है, डैडी और मैं तुम्हारे दहेज पर ही गुजारा करते हैं, अब खुश? हाँ, मेरी सच्ची बातों से तुम जलभुन क्यों जाती हो? बताओ कैसी हो? क्या बताऊँ, अगले महीने एग्जाम्स हैं, खत्म होते ही इंडिया, मेरा भारत महान। जल्दी आ जाना, तुम्हारे लिए लाखों में एक लड़का ढूंढ के रखा है, फिरंगियों से बहुत अच्छा। आप है ना टीवी सीरियल्स वाली मॉम बन रही हो, मेरी शादी करवा के मुझसे पल्ला झाड़ना चाहती हो। कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे निकलना होगा, शाम को बात करती हूँ, ठीक है? बाय बेटा। इतनी खूबसूरत क्यों हो तुम? तुम्हें देख के ही मुझे कुछ होने लगता है। दुनिया में कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो तुम्हारे रूप को देख के तुम्हारा दीवाना ना बन जाए। यू आर द बेस्ट। Electric motors work on the principle of electromagnetism. An electric motor contains a coil of wire that creates a magnetic field. When electricity flows through it, when charges are still, sunna electric shocks ke jaisa hi hai. But when charges move, they instead produce magnetic fields. So electric fields. Isse acha hai ki thodi der bahar masti karu. Hi, hi. What's going on? Chilling out, huh? As usual. What happened to her? Don't know. Hi. Hi. Tujhe kya hua? मूड ऑफ है यार। क्यों, क्या हुआ? डैडी ने फीस नहीं भरी क्या? एक लड़का बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहा है, कह रहा है अगर मैंने हाँ नहीं की तो वो मर जाएगा। तुम जैसे सीधी साधी लड़कियों के साथ ही ऐसा सब क्यों होता है यार? मुझे देखो, I'm so beautiful, लड़के चांस मानने की हिम्मत नहीं करते, सोचते इतनी सुंदर दिखती है मुझे कहाँ से घास डालेगी, या इसका तो बॉयफ्रेंड होगा, या ये सोचकर अपना रास्ता नाप लेते हैं। तो मेरी तरह खूबसूरत बनो, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने ये सोच के तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन तुमने खुद की तारीफ शुरू कर दी। लव 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लव एट फर्स्ट साइट जो गलती से होता है, वो तुम जैसे नॉर्मल लोगों के साथ होता है, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं ना। मुझ जैसे लोगों के लिए दूसरा ऑप्शन है लव एट लास्ट साइट। लव एट लास्ट साइट? हाँ, लास्ट साइट। हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, इसलिए आराम से सोच समझ कर फैसले लेते हैं, जांच परख कर किसी को हाँ करते हैं। अगर प्यार नहीं है तो भी हाँ कर दोगी? पार्वती, इंडिया में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को छोड़कर यहाँ पढ़ाई करना किसे पसंद है? फिर भी हम करते हैं ना, हमें फिल्म के सारे हीरोज पसंद नहीं आते हैं, फिर भी उनकी फिल्में देखते हैं ना, लाइफ भी कुछ ऐसी है। और अगर तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया तो? मुझे कोई चांस ही नहीं है, पहली ही मीटिंग में मुझे इम्प्रेस कर पाना किसी के बस की बात नहीं है, उससे मेरी तरह सोचना होगा, मेरी तरह बात करनी होगी, ऐसा कोई यहाँ तो नहीं मिलने वाला। मिल गया तो? सुनने में तो अच्छा लगता है,
एक बार के लिए मैं अपना गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड छोड़ दूंगी और उससे हाँ करवाने के लिए उसके पीछे पड़ जाऊंगी। पहले तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मरने की धमकी देने वाला कभी सुसाइड नहीं करेगा, सिर्फ आई लव यू कहना अलग बात है, ये भाना एकदम अलग, समझी? सो चिल, कम ऑन, लेट्स गो पार्टी इन पीसा। रेडी? क्लिक करो। मेरी मम्मी को भी मेरी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। इस फोटो को तो मैं घर में फ्रेम करवा के रखने वाली हूँ ताकि लड़के देखकर भाग जाए। थोड़ा सा लेफ्ट। हेलो, आई लव यू। What? What nonsense are you talking? दिल की खुली में कोई और है? अगर नहीं भी होता तो तुम्हें कभी नहीं आने देती। हलवा है क्या? सुनो फुलझड़ी, तुम अगर जल्दी से हाँ नहीं बोलोगी ना तो पीछे जो पटाखा बॉम्ब खड़ी है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम चाहती हो तुम्हारी फ्रेंड का काम तमाम हो जाए? नहीं ना, तो बोलो मैं तुम्हें पसंद हूँ। तुम्हारे या मेरे पसंद करने से कुछ नहीं हो सकता। 3 साल से एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है। पीछे ही पड़ा है ना, कुछ किया? मैं चाहती हूँ कुछ दिन और वो मेरा इंतजार करे। काइकू? ताकि मैं उसे अच्छे से जान सकूँ। साले का बोझ हल्का कैसे होगा। सुनो, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी जेब कितनी गर्म है ये नहीं देखा करते, उसका दिल कितना नरम है ये देखते हैं। खैर, तुम मेरे साथ ही चलो, मेरे इरादे चट्टान से भी कड़क है। नो 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 नो, एक्चुअली आई लाइक हिम। अच्छा, बाहर आ जा मजनू। क्या हुआ? मेरा सिम रिजेक्ट करिए, तेरी लाइन क्लियर है। ये मान गई? मेरा बापू कितना कंजूस है, फोन ही नहीं करता। एक बार फोन करे तो रिश्ते की बात कर लूंगा, फिर हम दोनों हनीमून पे। टिडिंग। हेलो, ए हेलो, कहाँ है वो? आता ही होगा, फोन करो उसे। खुद ही कर लो। उंगलियां बहुत नरम है तुम्हारी, मुझे नरम चीजें बहुत पसंद है। क्या बंधु, फैमिली प्लानिंग चल रही है? क्या कहा मम्मी? 200 लड़के, सबके सब मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ मम्मी, मैं खूबसूरत हूँ तो मेरा क्या कसूर? पता नहीं और कितने मेरे पीछे पागल होंगे। ये सब कुछ तो होना ही था ना। शादी के लिए लाइन लगी हुई है। हाँ बाबू, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। नहीं नहीं, सोता ही काम, सारी रात पढ़ाई है, सुबह उठ के घूम जाता हूँ। इतना क्यों हंस रहे हो तुम? मैं नाटक कर रही थी, लेकिन लड़के सच में मेरे दीवाने हैं। रेडी के बापू ने सही टाइम पर घंटी मारी, वरना मेरा पोपट हो जाता। हाँ गोरी है। ये तो पागल प्रेमी है। क्या है? हटो। तू फिर आ गया? ए टिंगू, आंटी किधर है? मुझे क्या पता, जाके ढूंढ ले। बताता है या फिर? जेब में तो आएगी नहीं, शायद छत पे होगी। तुम्हारा पति फिर तुम पे अत्याचार कर रहा है? कपड़े सुखाने ऊपर भेज दिया? शैतान कहीं का, छोड़ मुझे। आज अचानक कैसे? मुझसे शादी कब करोगी आंटी? कितने चक्कर लगवाओगी? सचमुच? क्या तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? आंटी, 20 साल पहले पैदा हुआ होता ना तो जरूर आपसे ही शादी करता। फिलहाल मुझे आपकी बेटी से काम चलाना पड़ेगा। क्या? अब इतना भी नाटक मत करो, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। किसने कहा कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दूंगी? ये क्या आंटी, दिल तोड़ने वाली बात कर रही हो? प्लीज आंटी, अरे रे, ऐसा क्या मत करो प्लीज। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन मेरा क्या फायदा है? फायदा है ना? अरे आप ही के लिए तो संध्या से शादी कर रहा हूँ। मैं रात दिन यही सोचता रहता हूँ कि आंटी को कितना काम करना पड़ता है। उस टिंगू को तो आपकी कुछ पड़ी नहीं है कि आप खुश हैं, दुखी हैं, मुझे इस बात की टेंशन है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आपका दामाद बन जाऊं, फिर मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ, और संध्या का ख्याल भी रख ही लूंगा। क्या आपने कभी सोचा है, हमारे जब बच्चे होंगे तो आप ही को नानी कहेंगे? सोचिए, आप उन्हें नहलाएंगी, धुलाएंगी, उनके कपड़े धोएंगी जब वो सुसु करेंगे। सारा फायदा घर बैठे मिलेगा। तुम संध्या संध्या की रट लगा रहे हो और वो शादी के नाम से कोसों दूर भागती है। अरे उसके भागने से क्या होता है, आप बात तो कीजिए। क्या तुम
सचमुच संध्या से इतना प्यार करते हो? संध्या के बिना तो मैं जी भी नहीं सकता। पागल। बस कुछ सेटिंग करती हूँ, मेरी तरफ से डील पक्की। जय हो, अब बहुत अच्छी है। वक्त पर खाया करो, जिससे पेट खराब नहीं होगा। ये टैक्सी कहाँ रह गई? फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैंने टैक्सी कैंसिल कर दी है। पागल हो गए हो क्या? मेरी फ्लाइट? पागल तो तुम हो गई हो, बिना कुछ बोले प्यार का इजहार करने की कोशिश कर रही हो। अकल दौड़ाओ, कार्तिक भी उसी फ्लाइट से जा रहा है ना, दोनों साथ में जाओगे। जस्ट इमेजिन, दोनों पास वाली सीट पे, कार्तिक के हाथों में हाथ, फिर तो बन जाएगी बात। आसमान में स्पीड ब्रेकर है, प्लेन उछलेगा, फिर तुम उसकी गोद में। थैंक यू यार, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। आई लव यू ब्रदर। हाँ रेडी बोल। एक छोटा सा काम था। तू तो अपना शटर मत खोल, मुझे गैस करने दे। देसी बापू के लिए विदेशी बोतल। बापू ने पीनी छोड़ दी है, तू संध्या को साथ लेके जाना, वो भी उसी फ्लाइट से जा रही है। जवान कमसिन लड़की की दुआ लगेगी तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। अरे वो लड़की साथ रही तो और पाप करने का दिल करेगा। नहीं मैं कह रहा था कि अबे प्लेन टेक ऑफ करेगा, वो मुझ पे लैंड करेगी। यार ऐसा मत कर, उसे प्लेन में डर लगता है। हो जा मत बड़ा। प्लीज एक अकेली लड़की को। क्या ये सब? हाँ तुम उसके सामने इतना प्लीज प्लीज क्यों कर रहे हो? मेरे साथ ट्रैवल करने वाले का एक क्लास होना चाहिए, अब वो आएगा तो भी मैं नहीं जाऊंगी। अरे आ गए, खड़े क्या हो, लगेज डालो ना। अब तो साकार होंगे सपने। मिस यू ब्रदर। मी टू। ओए रक्षाबंधन, क्या भाई दूज भी आज ही मनाएगा? हाँ वो बैग में वजन ज्यादा है। कार्तिक के बारे में एक खास बात बता। मैं किसी लड़के का बायोडेटा पढ़कर उसके प्यार में पड़ने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। हाँ लेकिन बात तो सुन। शट अप, वो मेरे बारे में कुछ पूछे तो बता देना। और एक और बात, अपना सेल फोन फुल्ली चार्ज रखना, हैदराबाद लैंड करते ही तुरंत तुम्हें फोन करेगा। संध्या की बहुत याद आ रही है, संध्या के बिना सो नहीं सकता, संध्या के बिना खा नहीं सकता, संध्या के बिना जी नहीं सकता। संध्या का नंबर दे दो, संध्या का एड्रेस दे दो, संध्या 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 संध्या। मेरे बारे में जानने के लिए तुमसे फोन पे मिन्नतें करेगा, गिड़गिड़ाएगा। इट्स माय चैलेंज। तुम उसके बारे में जानती नहीं हो। तुम गेट लॉस्ट। मुझे अपने बचपन के कुछ किस्से सुनाओ ना, तुम्हें देख के लगता है कि तुमने खूब गिल्ली डंडा खेला होगा। मैं सिर्फ गोल्फ जैसे हाई क्लास स्पोर्ट्स खेलती थी। पर शक्ल से कबड्डी प्लेयर लगती हो। हाई लेवल बातें तुम नहीं समझोगे, ड्राइव करो। तुम पेट से हो क्या? What do you mean? मेरी शादी नहीं हुई अब तक। अब लगेज में बहुत सारे डायपर है ना, इसलिए पूछा। वो मेरे भाई के बच्चों के लिए है, हमारी जॉइंट फैमिली है। बुआ ऑन ड्यूटी। और कुछ बताओ ना ब्यूटी। मॉम डैड ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। वाओ। शादी करने जा रही हूँ। कॉन्ग्रेट्स। अपनी शादी का फालूदा इस नाचिस को भी पिलाना। मेरी शादी के बाद से ये तो बहुत खुश हो गया। ये तो मैं उठा लेता हूँ। नो थैंक्स, मैं अपना लगेज खुद मैनेज कर सकती हूँ। हेलो, इस तरह घूरने की कोई जरूरत नहीं है, हर बात में डबल मीनिंग मत निकालो। मैं इस लगेज की बात कर रही थी। पासपोर्ट प्लीज। व्हाट्स योर नेम? नेम प्लीज। पारुपली राजा वेंकट विजय सत्य दुर्गा कामेश्वरी विजय लक्ष्मी कामिनी संध्या कुमारी। अरे बाप रे, मेरा मतलब है अगर नाम का ये साइज है तो सरनेम का क्या साइज होगा। हंसने की जरूरत नहीं है, ये नाम मेरी दादी ने दिया है, मुझे गुस्सा आ जाएगा। थैंक यू। यू वेलकम। पासपोर्ट प्लीज। ये लीजिए। कितनी मतलब ही हो, एयरपोर्ट तक तुम्हें लिफ्ट दी, कॉफी नहीं पिलाओगी? नो थैंक यू। मैं जानता था तुम जेब से कड़की हो। एक मिनट रुको, मैं दो कप लेकर आता हूँ। हाँ रवि, मैंने अपना गेम शुरू कर दिया है। देखने लायक हालत हो गई है बेचारे की। मैं लगेज उठा लेता हूँ, लाइन में लग जाता हूँ। तुम कॉफी पीना पसंद करोगी या चाय लेकर आऊँ? एकदम दीवाना बन गया है मेरा। मैंने पहले हैदराबाद कहा था, लेकिन अब सोच रही हूँ
कि उससे पहले दुबई में ही उसे अपना गुलाम बना लूं। अच्छा तुम्हारे जीजू आ रहे हैं, बाद में बात करते हैं। ये लो कॉफी, एक्स्ट्रा शुगर है। जब रवि ने मुझे लिफ्ट देने के लिए रिक्वेस्ट किया तो इतना भाव क्यों खा रहे थे? हाँ मैं ऐसी वैसी हूँ क्या? नॉट एट ऑल, तुम तो बहुत ही स्पेशल इंसान हो। अच्छा ये बताओ तुम्हें किस तरह सॉरी कहूँ? कोई मुझे अवॉइड करे या इग्नोर करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। ओ, किसी सुंदर लड़की का दिल दुखाने का पाप किया है मैंने। दिस इज फॉर यू। डिजाइनर शॉप में लटक रही थी, खूबसूरत हाथ पर जब ये सजेगी तो और सुंदर लगेगी। कुछ खास चीजें सिर्फ खास लोगों के लिए बनती हैं। प्लीज देखो, अगर तुम मना करोगी तो मैं हर्ट हो जाऊंगा। हम लेट हो रहे हैं, कॉफी पूरी करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके संध्या, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हे, थैंक्स फॉर द गिफ्ट, ये वाकई बहुत अच्छी है। तुम भी हो। ये बुक में मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? हे, यू नो समथिंग, कुछ लोगों के साथ ट्रैवल करना वाकई बहुत बोरिंग होता है। लगता है कि कब पहुंचेंगे, कब ये सफर खत्म होगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत मजा आता है, हैपनिंग होता है। लगता है कि काश सफर कुछ और देर तक चले। मेरे साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है? अफसोस हो रहा है कि आज निकले ही क्यों घर से। आई मीन अगर कल निकल जाती तो आज पहुंच गई होती। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। दिस इज माय सीट। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? तो मैं क्या खड़े खड़े इंडिया जाऊंगा, पायलट को हटा कर बैठ जाऊँ? पंचेज अच्छे लगे, मैं टीवी पे आते जाते रहता हूँ। भैया प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करो प्लीज। देखो मोहतरमा, ऊपर वाले ने आपको ब्यूटीफुल बॉडी दी है, मुझे भी एंटीक बॉडी दी है। ना आप मेरी बॉडी ले सकती हैं ना मैं आपकी, इसलिए यू सिट देयर, आई विल सिट हियर। ये सीट सीट खेलना बंद कीजिए, मेरी सीट मुझे वापस दीजिए। अबे डेढ़ फुटिया कटिया, ये पेन के फ्लोर बढ़ाती है। नाटी गर्ल। सीट सीट पे लिखा है बैठने वाले का नाम। कॉमेडी पंच? कॉमेडी नहीं हीरो, ये तो इमोशनल लाइन थी। मेरा नाम है प्लैटिनम कुमार। ऐसा अटपटा नाम क्यों? इंडस्ट्री के सारे कुमार खत्म हो गए थे। कोई अवार्ड मिला? इंडस्ट्री में अवार्ड मिलते नहीं, खरीदे जाते हैं बेटा। मैंने भी एक भाड़े पे लिया है। तुम आवाज अच्छी बदलते हो, डबिंग क्यों नहीं करते? ये मेरे अंदर की आवाज है बेटा। अब तो बांसुरी बजाए नहीं बजती। आजकल की लड़कियाँ अपने आप को टैलेंटेड समझती है, लेकिन हम सब परख सकते हैं। आंखें हिल हिल हिला के, होंठ दर दर लप लपा के, कंधे मम मम मटका के, तुम जैसे भोले भाले और मुझ जैसे सीधे साधे आदमी को फंसा सकते हैं। अंदर कोई और है क्या? नहीं 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 हीरो, ये तो मेरे अंदर का टैलेंट है। क्या फेंक रहा है? लड़कियाँ पसंद नहीं है? है तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई? अभी उम्र ही क्या है। लगता है अब तक किसी हॉट लड़की को देखा नहीं है। तुम्हें मुझ जैसी हॉट लड़की मिली ही नहीं होगी। मुझे पता है, मुझे देखकर तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है ना। तेरे लिए इतना ही काफी है जोकर। अब पहले से आराम है? थोड़े से, थोड़ा ज्यादा। ये प्लैटिनम कुमार कहाँ है? प्लैटिनम कुमार पंक्चर हो गया है। सचमुच? लगता है इसके अरमान जगाने पड़ेंगे। कार्तिक, फ्लाइट है, नाइट है, दिल में कोई इच्छा हो रही है? दाल खिचड़ी खाकर सोने का दिल कर रहा है, और तुम्हारा? खम्बा पीकर टल्ली होने का मन हो रहा है। शक्ल से लगता नहीं पीती हो। Excuse me. Yes, ma'am. Two pegs. Vodka, gin, rum, whiskey, mix कर दो। मैं कॉकटेल नहीं पीता। तुम्हारे लिए नहीं है, दोनों मेरे लिए हैं। इतना क्यों? इतना पिए बिना मुझे नींद नहीं आती। देखो लीवर खराब हो जाएगा, और वैसे भी किसी भी पति को बेवड़ी पत्नी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें ऐसा लगता?
नहीं पीऊंगी। कैंसिल कर। संध्या संध्या, मेरी वजह से तुम अपनी आदतें मत छोड़ो। तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ रही, ये फैसला तो मेरा अपना है। मैं आज और अभी से ड्रिंक्स छोड़ रही हूँ। मूव। ओके मैम। हैप्पी? ये क्या, कम से कम गुड गर्ल तो बोलो। किस मिट्टी का बना है? थैंक यू। वेज और नॉन वेज सर? संध्या, संध्या, क्या है, खाने में कुछ लोगी? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। वन वेज प्लीज। थैंक्स। वेलकम सर। तुम आदमी ही हो ना, अगर लड़की कहे उसे भूख नहीं है मतलब वो नाराज है, तुम्हें मनाना नहीं आता? आता है, लेकिन तुमसे नाराज होने की वजह पूछूंगा तो तुम 100 बहाने बताओगी। अगर मनाने की कोशिश करूंगा तो क्या गारंटी तुम मान जाओगी? मतलब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट। इससे अच्छा खाना खाकर सो जाता हूँ ताकि कल सुबह जल्दी उठूं। मजाक कर रहा था, मुंह खोलो। मुझे नहीं चाहिए। खोलो ना। तुम ही खाओ और सो जाओ। सॉरी कहूंगा तो मान जाओगी? अरे ये मैंने तुम्हारे लिए लिया है, आ करो। बिल्कुल छोटी बच्ची लग रही हो। लो। वेरी गुड। यू नो कार्तिक, मम्मी पापा के अलावा आज पहली बार किसी और ने खिलाया। थैंक यू। टेस्टी था। ऐसे भी कुछ कुछ होने लगा है। संध्या, बहुत गलत किया है तुमने, तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। मैंने उसका हाथ पकड़ा, इससे फ्लाइट में एंट्री किसने दी? खुद से नफरत हो रही है मुझे, ऐसा लगता है जैसे एसिड से नहा लूं। बुढ़ा खोसत कहीं का। क्या है, क्या देख क्या आया? तो मैं मजाक मजाक में लड़की को छेड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी इंसल्ट करना घिनौनी बात है। एक्सक्यूज मी। यस सर। क्या मुझे कोई और सीट मिल सकती है? सर इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक काम कीजिए, मुझे लगेज में बिठा दीजिए। यू नॉटी बॉय। बात ही नहीं कर रहा है, किसी भी तरह इसे वापस ट्रैक पर लाना होगा। कार्तिक। हाँ? क्या हुआ? मैं कॉफी लेकर इस तरफ आ रही थी तो देखा एक 6 साल का बच्चा एस्केलेटर से गिरने ही वाला था, मैंने कूद कर उसे बचा लिया। वेरी ब्रेव गर्ल। थैंक यू। वॉशरूम में जाकर चेंज कर लो, जाओ। ओ मिस्टर खड़ूस, वॉशरूम में क्या करते हैं ये तो मुझे भी अच्छी तरह पता है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? एक लड़की, वो भी संध्या जैसी खूबसूरत, इतने बड़े शोरूम में कह रही है कि उसके कपड़े खराब हो गए हैं, तो यही तो चांस है। मुझे इम्प्रेस करो, मेरे लिए ड्रेस खरीदो, मेरा दिल जीतो, मेरी नजर में हीरो बनो। मैं काय को खर्चा करूं? नहीं खरीदोगे? पैसे झाड़ पे लटके हैं। ठीक है तो मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए। संध्या संध्या संध्या, कितनी ओपन माइंडेड हो, किसी ने देखा तो नहीं? चलो चलो वहाँ कोपचे में। योकाज सर, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू एंड दिस इज फॉर यू। मेरे लिए क्यों? किसी से जबरदस्ती कुछ लेना मेरी आदत नहीं है। ओके सर, रख लो। लुकिंग गुड ऑलवेज।
कैसी लग रही है ड्रेस? पसंद किसकी है? मेरी है ना। तारीफ में भी कंजूसी करते हो। बॉम लग रही हो। अच्छा बहुत भूख लग रही है, आइसक्रीम खाने चलते हैं? बच्ची हो जो आइसक्रीम खाओगी? मैं बच्ची नहीं हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। आइसक्रीम के लिए डेट ऑफ बर्थ पूछ रही हो, चॉकलेट के लिए बैंक बैलेंस पूछोगी? चलो चलो खिलाता हूँ। खुद के लिए भी एक लाते? नहीं चाहिए। अरे स्पून तो यूज करो। लेट हो जाएंगे। कार्तिक, लव एट फर्स्ट साइट के बारे में क्या राय है? लव की साइट पर जो भी जाता है वो दुनिया से साइड हो जाता है। प्यार अंधा होता है और बहरा गुंगा भी होता है। प्यार वो रोग है जिसका कोई इलाज नहीं होता। प्यार अम्मा से, बच्चों से, बच्चियों से, बीवियों से, पड़ोसियों से भी हो सकता है। न्यू फिलॉसफी। हेलो बेबी। फॉरगेट इट मैन। ओके कूल। उसने मुझसे बदतमीजी की तो तुम वहाँ जाकर उसकी पिटाई नहीं करोगे? मुझे खुशी होगी ना। तुम इतनी हॉट हो उसमें उसकी नहीं तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारे चक्कर में मैं ऐसे लोगों की धुलाई करने लगूं तो पूरी जिंदगी इसी में निकल जाएगी। तारीफ कर रहे हो या डांट रहे हो? तुम आइसक्रीम पूरी करो, मैं आता हूँ। Hey baby, come here. What a hot chick. You're right. Come on man, let's take her. संध्या? संध्या? Hello, excuse me. Where is the girl? We didn't see her. Boys? We don't know. संध्या? 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 टेंशन में क्यों हो? तुम डर गए थे ना? तुम्हें लगा मुझे ले गए? दिल में उल्टे सीधे ख्याल आए होंगे? शक्ल देखो अपनी। सॉरी संध्या, मुझे चाटा नहीं मारना चाहिए था। नहीं, सॉरी क्यों कह रहे हो? तुम्हारे थप्पड़ से मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास हुआ। गलती तो मेरी थी। सच कहूँ तो मुझे अच्छा लगा। अगर मैं शरारत करूँ तो तुम डांट सकते हो। मम्मी कहती है कि कोई भी आदमी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, एक ही दिन में भाग जाएगा। लेकिन तुम अलग हो कार्तिक, तुम मेरी हर नादानी, हर गलती को हंसते हुए बर्दाश्त कर लेते हो, मेरा गुस्सा शांत करते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम मेरा ख्याल रखते हो। कार्तिक, मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट। मुझे पता ही नहीं चला ये कब और कैसे हुआ। आई एम इन लव विद यू कार्तिक। मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा। लेकिन क्यों कार्तिक, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? सुनो, ऐसी बात नहीं, तुम बहुत ही अच्छी हो। तो फिर क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। प्लीज कार्तिक, मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट करने को तैयार हूँ। तुम्हारी चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती, हम कभी एक नहीं हो सकते। मैं पहले से शादीशुदा हूं।
ओ मेरी फूटी किस्मत, जब जब तुमने मुझे कहा कि मैं छोटी बच्ची हूँ छोटी बच्ची हूँ, मुझे लगा तुम प्यार से कह रहे हो। बहुत अच्छा लगता था। मेरी मम्मी हमेशा समझाती थी कि मुझे ये प्यार और परियों वाली कहानियों से बचकर रहना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं सबसे सुंदर लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मुझे शादी के लिए इंडिया आना चाहिए। वो मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर रखेगी। मैंने सोचा था तुमसे दोस्ती करूंगी, तुम्हें इंप्रेस करूंगी, तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तुमने मना कर दिया। मेरी बेवकूफी थी। वांटेड देखने के बाद सलमान से शादी करना चाहती थी, लेकिन वो शादी ही नहीं करना चाहता। चेन्नई एक्सप्रेस देखकर मैंने शाहरुख से शादी करने का सोचा, पर वो भी शादीशुदा निकला। ट्विन टावर्स देखने का ख्वाब लेकर मैं खुशी खुशी अमेरिका गई, लेकिन उसे भी उड़ा दिया। लाइफ में जो भी चाहा वो कभी नहीं मिला। क्या है? अगर मुझसे कोई गलती? अरे नहीं नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। मेरे साथ जो गलत होता है वो सब कुछ मेरी बेवकूफी की वजह से होता है। बच्चे कितने हैं तुम्हारे? अभी तक तो नहीं है। एक भी नहीं है अब तक? तीन चार होने चाहिए थे। कौन है वो बदनसीब? तुम्हारी पत्नी के बारे में पूछ रही हूँ मैं। मैं अपनी औरत की बात किसी पराई औरत से शेयर नहीं करता। आहा, इस मुकाम पर लाकर मुझे एक ही पल में पराया बना दिया। अब तुम्हारी शादी तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है, समझे? मेरे दिमाग में घूम रहा है, कहाँ मिली थी वो तुम्हें? वीटी। क्या? सॉरी, ऊटी में। ऊटी में क्या? वीटी से ट्रेन में मैं ऊटी गया था। नहीं, मुझे नॉनवेज खाना बहुत पसंद है, इसीलिए खा गया। खा गया उसे? उसका भी सेम रिएक्शन था। उसे खा गए? ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इंसान हो ना? कितना प्यारा था वो बेचारा। ये पाप है। वो क्या गे, क्या पाप क्या पुण्य। बस करो। तेज दौड़ने के लिए खरगोश, ऊंचा कूदने के लिए बंदर, भौंकने के लिए कुत्ता, उसे भी खा जाओगे? कुत्ता? मुझे तो तुम पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हारे बालों की कसम, मैंने कुत्ता कभी नहीं खाया। शट अप! तुम ऐसा गुस्सा कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें ही खा लिया हो। बहुत हो गया, अगले जन्म में तुम खरगोश बनकर पैदा होगे ना, फिर तुम्हें भी कोई काट कर खा जाएगा। अगर तुम्हारे हाथों से कटूंगा, आई विल बी अ वेरी हैप्पी रैबिट। गो टू हेल। समझ में नहीं आता ऐसे स्टूपिड लोग पैदा ही क्यों होते हैं। यहाँ मिल गए, ऊपर मत मिलना। I hate rabbits. भाड़ में जाओ। Go. I love rabbits. कितनी अच्छी थी ना वो? हाँ, बहुत अच्छी। Good morning. Very good morning, baby. सर, सिगरेट चाहिए? कॉफी पियोगी? मैंने पी ली। जब से फुटबॉल का कोच बनाऊं तब से लड़कियों की सोच दिमाग से ही निकल गई। इस बसे घर को देखकर लगता है कि मैं भी अपना घर बसा लूं। सबसे जरूरी होता है जिंदा रहना। सामने जो बंगलो देख रहे हैं राठौड़ साहब का है, उनकी बेटी है वो, मार डालेंगे। काफी इन्फॉर्मेशन है तेरे को, घर की कुंडली हमारे साथ भी शेयर कर। मुँह मांगा इनाम दूंगा तुझको, मुँह तो खोल। गुस्से वाली लड़की है, तुमसे नहीं पटेगी। फिक्र मत करो, सब बताऊंगा।
बहुत ही अच्छी लड़की है, जो भी उससे शादी करेगा धन्य हो जाएगा, लेकिन आप धनिया बन जाओगे सर। बस कर रहे। और लो, खास बात तो बताई नहीं है मैंने। हाँ, उसका एक छोटा भाई भी है। रुको सिस्टर, इस पर पैर रखो। लेकिन क्यों? मैंने कहा ना पैर रखो। ये क्या है? काटा है। इसे उठाकर फेंक देते ना। पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखना। भाई बहन में बहुत प्यार है। भाई के लिए उसकी दुनिया उसकी बहन है। हर जगह साथ में जाते हैं, फिर चाहे स्कूल हो, सिनेमा हो, पार्क हो या फिर पिकनिक मनाने जाना हो। सर, सिगरेट के पैसे दे दीजिए। अब तो रोज आना जाना रहेगा। एक काम कर, मेरा खाता खोल। मनवाड़ी को भी चूना लगा गया। ये गोलगप्पा तेरी आंखों की तरह छोटा क्यों है? अपने खोपड़ी की तरह बड़ा बनाना, लगता है तेरे ठेले को उठवा। ये इनविजिबल मोड में कौन खेल रहा है? दफा हो जा। फुटबॉल में सिर्फ लात ही तो मारनी होती है। और इस बॉल को किसने मारी? मैंने। मेरे फुटबॉल को तूने लात कैसे मारी? मैं अपने फुटबॉल को हाथ से खेलता हूँ, तूने मेरे फुटबॉल को लात मारकर गंदा कर दिया। तेरे खानदान में कभी किसी ने फुटबॉल खेला है? कभी टीवी पर वर्ल्ड कप देखा है? तो फिर तूने फुटबॉल को लात क्यों मारी? तेरी माँ को झुक के सलाम करो यार, केकी तो मारी थी। जबान लड़ा था बदतमीज। आज तो सिर्फ तूने फुटबॉल को लात मारी है, कल अपनी किस्मत को भी लात मारेगा। सर, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। तू मुझे मेरी लिमिट सिखाएगा? और सर किसे बोलता है? तूने मेरे क्लासेस ज्वाइन किए? अगर क्लासेस ज्वाइन करने हैं तो तत्काल में बोल दे, 25% डिस्काउंट दूंगा। बोल ज्वाइन करेगा ना मेरी क्लास? अगर इस गुरु का चेला बनेगा तो बॉल कैसे पकड़ते हैं, किक कैसे मारते हैं, गोल कैसे करते हैं सब सिखाऊंगा। तुझे अकेले आने में डर लगेगा? बाप के साथ आ जा, बड़े भैया के साथ आ जा। अगर सब ऑफिस गए हों तो दीदी को लेकर आ जा, एनी टाइम अकेडमी में। नहीं आया तो मैं आऊंगा। Come on boys, fast, hurry up, जल्दी करो, move, move. एक बॉल पास करना। Good. Hello. अरे रैबिट, तुम? What a pleasant surprise. अभी तक तो जानवरों के पीछे थे, अब इंसानों के भी पीछे पड़ गए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे मासूम भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे तो जमीन में गाड़ देना चाहिए। इस बच्चे का बेशुमार टैलेंट क्या पानीपुरी खाने के काम आएगा? मैं टैलेंटेड हूँ। इसने मार्केट में जिस तरह से फुटबॉल को किक मारी, इसकी किक से तो फुटबॉल भी कांप गया। तुम्हारे लिए मासूम बच्चा सिर्फ भाई हो सकता है, लेकिन देश के लिए नौजवान पेले, मैराडोना और रोनाल्डो जैसा चमकता सितारा बन सकता है। एक बार इसे मैदान में उतारो, देखो मैं इस बच्चे के साथ क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? बच्चे की जान लोगे, सही कहा ना? चलो भाई, रुक जा। मैं एक राज खोलने जा रहा हूँ। एप्पल पेड़ से गिरा और न्यूटन साइंटिस्ट बना, इसके पीछे टीचर थ्योरी है। क्या तुम बता सकते हो कि जिस वक्त एप्पल पेड़ से गिरा, उस वक्त न्यूटन पेड़ के नीचे क्यों बैठा था? एप्पल गिरने के टाइमिंग उसे कैसे पता? मुझ जैसे टीचर ने उसके अंदर के टैलेंट को देखा, वो बंदर की तरह उस पेड़ पर चढ़ गया, बैग से एप्पल निकाला, नीचे फेंका। ये एक चौंकाने वाला सच है जो आज तक न्यूटन की थ्योरी में कभी मेंशन नहीं हुआ। तो फिर दरअसल वो एप्पल का सीजन ही नहीं था, इसीलिए टीचर ने हाथ से उस एप्पल को नीचे गिराया। आज सारी दुनिया में न्यूटन का नाम रोशन हो गया, लेकिन कभी किसी ने उस टीचर के बारे में सोचा? उसका जिक्र कहीं नहीं किया गया। बहुत जल्द तुम्हारा नाम होगा, पैसा होगा, हाथ में चमचमाती ट्रॉफी भी होगी, पर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। आ जाओ इस दुनिया में, तुम्हारे टैलेंट का डंका सारी दुनिया में बजना चाहिए, यहाँ तक कि यूपी बिहार में भी। ऊटी के बहादुर वीर जवान, जीत के झंडे का। तुम आने वाले कल के न्यूटन हो, और मैं हूँ अभागा फटीचर टीचर। नाउ डिसीजन इज योर्स। हमें जवाब देना मेरे शेर। मैं खेलूंगा। कांग्रेस बंधु, तुम वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गए। वर्ल्ड कप?
लेकिन मैंने तो आज ही ज्वाइन किया सर। सोना चमकने में देर लग सकती है, किस्मत चमकने में देर नहीं लगती। तुम अपने पासपोर्ट वीजा रेडी रखना, हमें कभी भी जर्मनी का बुलावा आ सकता है। ऐसी इमोशनल धारा मत बहा। तुम एक काम कर सकती हो रैबिट, अपने इस टैलेंटेड भाई को घर ले जाओ और इसके डोले बनाओ। उसकी आंखों में जीत की भूख है। मैं तुम्हारी कसम खा के कह सकता हूँ कि अगला वर्ल्ड कप इसके काले हाथों में होगा और तुम्हारा गोरा हाथ मेरे चली गई। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पहले ही दिन वर्ल्ड कप में सिलेक्शन। मैं पूरी फैमिली पैक को अपने हाथों में पैक करना चाहता था। सुनो, अभी तक गुस्सा हो? तुम्हें रैबिट के पीछे भागता हुआ देखकर मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा तुम रैबिट को पकड़ोगी और पकड़ के पिंजरे में बंद कर दोगी, और वैसे भी उस पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा था। इतनी बेरहम नहीं कि तुम्हारी तरह जानवरों को खा जाओ। जानवरों से इतना प्यार, मुझसे अत्याचार। तुमसे एक छोटा सा मजाक क्या कर दिया, तुम तो मेरी बैंड बजा रही हो। तुम्हारे पास आने के लिए ये सब एक बहाना था। मैं पैदाइशी वेज हूँ और वेज ही मरूंगा। जब तुम्हें रैबिट के पीछे भागते हुए देखा तभी मुझे प्यार हो गया। प्यार नहीं करती तो बोल दो आई हेट यू, निकल जाओ। बैग पैक करके ऊटी से सीधा वीडी चला जाऊंगा। पप्पा जी पाए लागू, लड़की गूंगी होगी तो भी चलेगी, पर खड़ूस नहीं होनी चाहिए। बिहारन चल जाएगी, नेपाल दूर पड़ेगा। पप्पा कोई ऐसी सेक्सी हो जो आपका सर दबाए और मेरे पे लगता है इसे इंटरेस्ट है। अब क्या बताऊं, थोक के भाव से लड़कियां पीछे पड़ गई है। मुझे क्यों बता रहे हो, किसी एक को हाँ कर दूं? उसके अलावा किसको हाँ कहता? मेरी रोमांचक लव स्टोरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मेरे इकलौते जवान दादा की बुढ़ापे में मौत हो गई थी। He was just 99. सेंचुरी के लिए बस दो दिन बचे थे। केक की मोमबत्ती बुझाने से पहले ही उनके जीवन की बत्ती बुझ गई। दादा की अर्थियों का विसर्जन करने के लिए मैंने तत्काल में टिकट बुक किया। इंडियन रेलवे के सेकंड क्लास के खूबसूरत डिब्बे में जाकर बैठ गया। बैठते ही वो दिखी, साड़ी में लिपटी हुई भारतीय नारी, साउथ इंडियन ब्यूटी विद हिंदी एक्सेंट। तभी कंपार्टमेंट में काले टकले गुंडे घुस आते हैं। उनसे बचने के लिए वो अंताक्षरी खेलना शुरू करती है। ए जी, सुन भी रही हो? हाँ? मेरी लव स्टोरी। लगता है मेरी अनसुनी लव स्टोरी उसने पहले से ही कहीं सुन रखी थी, इसलिए निकल ली। सपने में वो दीपिका बनी थी और तुम शाहरुख खान। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? डायरेक्टर बनना था, फुटबॉल कोच बन गया। एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। जानते हैं, हमारे देश के एक बहुत बड़े खिलाड़ी को उसके सक्सेस के बारे में पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, रोज चॉकलेट ड्रिंक पिया करो। दूध इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ऐसा नहीं है, लव इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, ऐसे कहना चाहिए। तो अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? गुड। आज प्यार के बारे में बहुत हो गया, कल शादी के बारे में सीखूंगा। हाँ, शादी शादी तो एक ना एक दिन करनी है ना। बॉल से प्यार करना सीखो, पहले तो उसे ढंग से पकड़ना सीखो, गोल पर नजर रखो, बॉल के पीछे भागो, मौका मिलते किक मारकर पोस्ट में डाल दो। तो बच्चों प्रैक्टिस शुरू कर दो। गोल 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 गोल, हाँ बॉल गोल। ओहो, क्या बात है ऐसी मुझ में जो लड़कियां खींची चली आती हैं। ऐसे अचानक यहाँ चली आई, व्हाट्सअप कर दिया होता मैं लेने ड्राइवर भेज देता, वैसे वो छुट्टी पर गया है। खैर छोड़ो, मैं कॉफी अच्छी बना लेता हूँ, मैं जाकर अदरक वाली कॉफी लाता हूँ। हेलो, मैं यहाँ तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने नहीं आई हूँ। अच्छा, अरे रे रे रे, रात को विस्की तो मैं पी गया, इसे क्या पिलाऊं? बहुत हुआ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती, हम अच्छे पार्टनर्स नहीं बन सकते, सपने देखना बंद कर दो। लेकिन कायकू, इस बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इस शक्ल को भूल पाओगी? मैं टाइम पास के लिए नहीं, तुम्हारे पास आने के लिए टाइम पास कर रहा था। तुम्हारी नजर में नापास होकर नहीं जाना चाहता। इन बीते 48 घंटों में मैं दिल से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका हूँ। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि मुझे आज पति कहोगी या तुम्हें भी 48 घंटे का ग्रेस पीरियड चाहिए। डिसीजन इज योर्स। जवाब हाँ में ही देना।
बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। तुम आखिर मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मेरे नेचर या मेरी सोच के बारे में? मैं बहुत जिद्दी हूँ, मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है। मेरे मम्मी पापा मेरी हर जिद को पूरी करते हैं, और पूरी नहीं होती तो घर सिर पर उठा लेती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सारे नखरे उठा पाओगे? शादी को बोझ मानने वाले इंसान कमजोर होते हैं। इस आशिक ने तुम्हें दिल से प्यार किया है। प्यार वो ताकत है जो इंसान की किस्मत भी बदल सकता है। एक बार दिल से सोचना। सुबह से नोटिस कर रही हूँ, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? तुम्हारी सीरियस होने की वजह जान सकती हूँ? सुनना चाहती हो? मेरी जिंदगी में नई लड़की आ चुकी है, इसलिए आज के बाद मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरी परवाह है। इतना बड़ा फैसला मैं इतनी जल्दी कैसे ले लूँ? सोचने के लिए उम्र पड़ी है, बाल पक जाए तब तक तुम सोच सकती हो। गुड बाय। हेलो, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है? क्या तुम मुझे बताओगे मेरी कौन सी आदत पसंद नहीं है? बदल दूंगी। इस तरह से मुझे अवॉइड मत करो प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद क्या हुआ? लगता है हिंदी फिल्में कम देखती हो। दो दिलों के बीच आ गए नीच। सॉरी भाईजान, धक्का मार के सॉरी बोलेगा? हीरो समझता है खुद को? कहाँ से आया रे सॉले तुझे तो मैं। ए, सॉरी बोला ना? हार नहीं क्या? सॉरी देखा नहीं तो आप देख ले। फाइट करेगा, लाइफ इंश्योरेंस है। माँ बाप ने सिखाया नहीं, कोई भी नेक काम नारियल फोड़ के किया जाता है। फिल्मों में देखकर लगा था कि ऊटी सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के साथ सुंदर पहाड़ों पर रोमांस करने के लिए मशहूर है, पर यहाँ तो विलन्स भी है। ऊटी में भी पोल्यूशन फैला दिया। तेरे को लगा निशाना चूक गया, जानबूझ के फेंका रे। चल बता, जल्दी बता, मुझे यह मारने तुझे किसने भेजा? नहीं बताएगा है? Thank you.
चानू कहाँ हो? ऊपर हो क्या? मैं नीचे हूँ। चानू, on the spot, मैं मंगलसूत्र डालूँ तो कोई प्रॉब्लम है? Hey, बैठ के बात कर। मैं यहाँ टेबल चेयर पे बैठने नहीं आया, अपने प्यार को यहाँ से ले जाने आया हूँ। कोई उंगली नहीं करेगा, पहले से ही मैं तपा हुआ हूँ, उसमें और घी छिड़क कर अपनी चिता मचना। चानू, मैं सूटकेस बांध के आया हूँ, तुम्हारी हो? वो नहीं आएगी। मैं आऊंगी कार्तिक। लड़कियों को सोचने तक का मौका नहीं दिया जाता, सारे डिसीजंस लड़कों के। संध्या, आज की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। फ्रेंड ने गाड़ी भेजी है, आई हैव टू गो। संध्या, तुम्हारे लिए बाइक है ना, आसान है ना कार्तिक? क्या ये भी सोचा है कि हम फिर कब मिलेंगे? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है ना? बात कहूं कार्तिक, वसु वाकई बहुत ही लकी लड़की है कि उसे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। तुम जल्द से जल्द उसके पास पहुंचकर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इसीलिए जा रहे हो ना? मैं इंडिया सिर्फ उसे डिवोर्स दे। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, सब खत्म। नमस्ते सर, साहब ने चाबियां दी। ओके, साहब ऑफिस में ही है ना? मैं भेजता हूँ। गुड बाय सर। हाँ ओके। अरे संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गाड़ी चलाओ। मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती? शादी के बाद क्या हुआ था कार्तिक? दूसरी शादियों की तरह हमारी जिंदगी भी रोमांस से शुरू हुई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों तो बहुत खुश थे ना? उसने तुम्हें हर तरह की छूट दी थी, हर इच्छा पूरी करती थी, और क्या चाहिए था तुम्हें? हाँ, मैं समझ गई, तुम जरूर शराब पीकर उसे बहुत मारते होगे, या फिर तुम्हारी दिलचस्पी कम हो गई होगी। तुम्हारे हिसाब से डिवोर्स के सिर्फ यही कारण हो सकते हैं, और कारण नहीं हो सकते? और क्या कारण हो सकता है? उससे प्यार किया, भागकर शादी की और फिर बोर हो गए। मैंने जिससे प्यार किया था वो लड़की बिल्कुल अलग थी, अब ये वो नहीं रही। शादी के बाद बदल गई थी, सारी लड़कियां बदल जाती हैं, वो भी ऐसी थी। नहीं बदलती। अच्छा, तुम्हारी शादी नहीं हुई फिर भी पता इतना? पिक्चर देखो। कहाँ हो डार्लिंग? हाईवे से गली में आ रहा हूँ, दो मिनट में पहुँच जाऊंगा। दो मिनट में नहीं पहुँचे ना तो इंतजार करते रह जाओगे। ए, मजाक कर रही थी, जन्मों तक इंतजार कर सकती हूँ। ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात नहीं करते, चलो फोन रखो।
अब जरा ये देखो। और कितना इंतजार करना होगा कार्तिक? पेट्रोल भरवा रहा था। बस बहुत हो गया, तुम्हें ना टाइम की वैल्यू है और ना ही मेरी है। अरे बाबा, आऊंगा और तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा। अब क्या फायदा, मेरा तो मूड ही खराब कर दिया ना। छी, आने की जरूरत नहीं है, जाओ वहीं रहो। जानू जानू ऐसे। कहाँ हो कार्तिक? बैंक में आया था, दोस्त को पैसे चाहिए थे। यू आर ग्रेट कार्तिक, जब तुम अपने दोस्तों का इतना ख्याल रखते हो तो फिर तुम मेरा कितना ख्याल रखोगे। आई लव यू कार्तिक। लव यू टू जानू। बाय। कौन था? भाभी थी, पैसे दिए इसलिए बहुत खुश हो रही थी। बहुत अच्छी है वो। अब ये देखो। कहाँ हो तुम? दोस्त को पैसे चाहिए थे इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया था। अपनी मेहनत की कमाई को दोस्तों पर उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? और उस गरम जले को तुम्हारे अलावा कोई नहीं मिलता क्या? तुम्हारी कमाई खा के भैंस जैसा मोटा हो गया है। उस निकम्मे को बोलो खुद कमाए। कौन था रे? भाभी थी तुम्हारी, कहा दोस्तों को ऐसे ही पैसे बांटो। जानते हो उसकी तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी राय है। मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ बहुत अच्छी है। क्या सुपर पार्टी है ना? बीवी क्या कर रहे हो डार्लिंग? जानू फ्रेंड का बर्थडे है तो ड्रिंक्स ले रहे हो ना? लेकिन जानू प्रॉमिस, चढ़ने से पहले घर पहुंच जाऊंगा। मैंने कुछ कहा क्या? बस लिमिट में पीना, अभी तुम पार्टी एंजॉय करो, अपने दोस्तों से बातें करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कैरी ऑन विद योर पार्टी। आई लव यू सो मच जानू, आई लव यू सो मच। बाय स्वीटहार्ट। हाउ स्वीट। जरा ये देखो। कभी फ्रेंड का बर्थडे, कभी फ्रेंड की नई कार और कभी फ्रेंड का नया घर, तुम तो रोज रोज गुलछर्रे उड़ाओ। थोड़ी तो पी है। बदबू आ रही है। जानो जानो रुको जानो। तुम भी मजा ले रही हो, लेकिन मेरी तो पूरी वाट लग गई थी। मुझे लगने लगा था मैं बीवी हूँ और वो मेरा पति। कोई भी लड़की ऐसे ही रिएक्ट करेगी, पहले उनके पीछे भागते हो जैसे वो तुम्हारी दुनिया है। उन्हें जीतना वर्ल्ड कप जीतने जैसा होता है। वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ एक मैच होता है, हर एक मैच को फाइनल नहीं समझते। शादी से पहले तो वही लड़की हमारा टारगेट होती है और शादी के बाद हम उसका टारगेट बनते हैं। शादी से पहले वाला शेर धोबी का कुत्ता बन जाता है। लाली, पाउडर, कंगन, झुमका, सेलफोन, साबुन, शैम्पू, ब्यूटी पार्लर, सारी डिमांड्स पूरी की। बदले में मुझे क्या मिला? झाड़ू और बेलन। सोचा था शादी के बाद बीवी के साथ रातें कलरफुल होंगी, पर घंटा। पत्नियां चाहती है कि हम पूरा वक्त उनके साथ रहे, हमें भी ये अच्छा लगता है, पर ये पॉसिबल नहीं। काम धंधे जो होते हैं, जिम्मेदारियों का बड़ा पहाड़ हमारे सर पर होता है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना होता है कि सोसाइटी में वो खड़े रह सकें। इसी मचमच में हस्बैंड वाइफ में मचमच हो जाती है। अगर वाइफ ये समझ जाए तो मचमच ही ना हो। पतियों की कमियां ढूंढने में उसे मजा आता है, उसे क्या मिलता है पता नहीं, चाहे फिर वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। अकेडमी में जितनी कसरत नहीं होती थी उतना तो वो घर पे करवाती थी। तन्हाई में उसने टीवी का सहारा लिया। Wow! Thank you so much, Karthik. Come on, wife. Hold the knife. Cut the cake. I'm getting late. तुम अभी कहाँ जा रहे हो कार्तिक? मुझे फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए जाना है। अगर तुम मुझे आज के दिन भी वक्त नहीं दे सकते तो यहाँ लाने का नाटक क्यों किया? क्या मैंने कहा था बर्थडे सेलिब्रेट करने को? कम से कम आज तो कहीं मत जाओ, तुमने फिर से पाप किया है। सुनो जानू, जब कोई लड़की पत्नी बन जाती है तो उसे चाहिए होता है लव, केयर, टाइम, प्रेजेंस, जो जरूरी है। लेकिन लड़का जब हस्बैंड बन जाता है तो उसके लिए इमोशन से भी बढ़कर एक चीज होती है, वो है डर। पत्नी और बच्चों का फ्यूचर वो सेव करना चाहता है ताकि कल उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ, बस टाइम नहीं दे पाता। मुझे भी तुम्हें अकेले घर पर छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता,
मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं भी तुम्हारे साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस हर आदमी को पत्नी के प्यार के लिए तरसना पड़ता है। हम दोबारा हनीमून जाएंगे, स्विट्जरलैंड बोलो पेरिस बोलो, पर उसके लिए मुझे दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसे जमा करने पड़ेंगे। आई लव यू जॉन, हैप्पी बर्थडे। सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं कार्तिक, शादी से पहले वो हर छोटी छोटी बात पर अपने मम्मी पापा पर, अपने भाई बहनों पर गुस्सा करती है, और शादी के बाद वो हर छोटी बात पर हस्बैंड से लड़ती है। तुम बैलेंस करना सीखो, उसे प्यार से समझाओ। पति ही सब करे, लेकिन पत्नियों को भी तो हमें समझना चाहिए। मान लो कि तुम्हारे पापा ऑफिस गए हैं, वो कहकर जाते हैं कि वो सवालों को आ जाएंगे। सवालों को तुम फोन करोगी, वो कहेंगे बेटा लेट हो रहा है, खाना खाकर सो जाना। तब तुम क्या कहोगी? आई लव यू डैडी, गुड नाइट डैडी, और फोन रख दोगी। लेकिन गलती से पति महाशय टाइम से लेट हो जाए, उसका तो पोस्टमार्टम हो जाएगा। भाई टूर पर जाता है तब, प्यारे भैया इस बार मेरे लिए भाभी ढूंढ कर लाना, खाली हाथ मत आना प्लीज भाई। लेकिन पति अगर काम से कहीं बाहर जाए तो सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो जाए। कहाँ हो, कौन सी होटल में रुके हो, किसके साथ हो, वहाँ पीछे कौन हंस रहा है, अभी के अभी मुझे लैंडलाइन से फोन करो। आने जाने का जितना खर्चा नहीं हो जाता, उतना तो होटल के टेलीफोन का बिल आ जाता है। कार्तिक जानू, क्या आज शाम को तुम प्लीज थोड़ा जल्दी घर आ जाओगे, कहीं बाहर चलेंगे, आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड, प्लीज 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 प्लीज। आजकल ज्यादा बोर हो रही हो, शाम को आकर मूड ठीक कर दूंगा ना, ग्रीन सिग्नल है ना, पहले तुम टाइम पे घर तो आ जाओ फिर देखेंगे। प्यार के लिए मुहूर्त थोड़ी ना देखा जाता है, चलो डायरेक्ट शुभारंभ करते हैं। जाओ बाय, 5:30 मैं इंतजार करूंगी। आओ ये मरियप्पा है, अंडर 19 खेल चुका है, ही इज अ गुड फॉरवर्ड प्लेयर, पिछले सीजन में इसने 10 गोल किए थे। सॉरी सर, ये है मुन्नू स्वामी, एक्सीलेंट डिफेंडर, अगर ये डबलिंग टेक्निक्स इंप्रूव कर ले ही कैन डू वंडर्स। आई एम सॉरी, इसका नाम शिवा है, सुपर गोलकीपर, अगर ये टीम में रहे। मिस्टर कार्तिक, कैन यू स्विच ऑफ द मोबाइल? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, इट्स ओके। देखो जानू, मैं तुम्हारा मूड बनाने के लिए क्या लेकर आया हूँ। फ्रिज में रख दो। क्या हुआ जानू, तबीयत तो ठीक है? तुम्हें तो सिर्फ अपनी जरूरतों से मतलब है, पता है अपना घर छोड़ते वक्त मुझे रत्ती भर भी तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन जब तुम मुझे घर पर अकेला छोड़कर जाते हो ना, तो घर पे मेरा मन नहीं लगता। ओ, अकेलापन सता रहा है? कार्तिक प्लीज। तुम्हें हर वक्त सिर्फ शरीर के सुख की पड़ी रहती है, भावनाओं की नहीं, ये तो जानवर भी करते हैं, तो फिर उनमें और तुम में फर्क ही क्या? जानू, can't you feel my love? गुड मॉर्निंग जानू। तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ही थे जो मेरे पीछे आए थे कार्तिक, अपनी बड़ी बड़ी बातों से अपने प्यार का यकीन दिलाया।
बात क्या है? साफ साफ कहो। मुझे ये बताओ कि अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो तुम रह पाओगे? सुबह सुबह नेगेटिव बातें क्यों कर रही हो? आओ नई शुरुआत करें। तुम्हें सबके प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं सिवाय मेरे। एकेडमी, स्टूडेंट्स, सिलेक्शंस, मैं तो कुछ हुई नहीं। जानू, फुटबॉल मेरा करियर, मेरी लाइफ, मेरा सपना है। समझने की कोशिश करो। अगर वो तुम्हारा सपना और लाइफ है तो मैं क्या हूँ? वसु वसु करके मेरे पीछे आए, मुझे मनाकर मुझसे शादी की। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जिद्दी हूँ, गुस्सैल हूँ। मेरे मन की चीज ना हो तो घर को सिर पर उठा लेती हूँ। दिल की सुनो, दिमाग की नहीं, तुमने यही कहा था ना? पर तुमने मुझे दिल से प्यार किया ही नहीं, सिर्फ मेरे शरीर से प्यार किया। इस थप्पड़ ने सब कुछ कह दिया है कार्तिक। अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा था। अब मुझे एहसास हुआ है कार्तिक, तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो भी हुआ, मुझे उस दिन उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने गलती की थी, मैंने उससे काफी बार माफी मांगी, उसने माफ नहीं किया। एक ही छत के नीचे हम पति पत्नी रह रहे थे, लेकिन फिर भी अलग थे। ऐसा लगता था हॉस्टल के किसी कमरे में दो अजनबी कैद हैं। शादी को लेकर बहुत उम्मीदें थी हमारी, पर विश्वास की उम्मीद के बीच दीवार खड़ी हो गई थी। ऐसा कब तक चलेगा कार्तिक? हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। हम किसी लोकल ट्रेन के पैसेंजर नहीं हैं कि जब दिल करे जहां दिल करे उतर जाएं। हम पति पत्नी हैं। आखिर एक साथ रहकर भी मुझे क्या हासिल हुआ सिवाय दर्द और आंसुओं के? चाहे जो भी हो, मैंने एक बार हाथ थाम लिया है, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। और दर्द सहन नहीं होता, मुझे आजाद कर दो। अगर तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो कार्तिक, तो प्लीज मुझे जाने दो। मेरे दिल में उसके लिए कितना प्यार है, वो इस बात को कभी समझ ही नहीं पाई। मैं करता भी तो क्या करता। उसके बाद क्या हुआ? जिस घर से मैं उसे सीना तान कर ले आया था, उन्हीं लोगों के सामने मैं शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। ये कहती है कि हम साथ में खुश नहीं रह सकते, इसीलिए आपकी बेटी को मुझसे डिवोर्स चाहिए। शायद गलती मेरी हो, मुझे माफ कर दीजिए। गलती किसी की भी हो, भुगतना तो मेरी बेटी को पड़ रहा है। इंसान जानबूझकर गलती नहीं करता, हालात उससे करवाते हैं। हर एक इंसान चाहता है कि उसे अपनों से सच्चा प्यार मिले, पर उस प्यार के लिए वो इतना पजेसिव हो जाता है, ना कुछ सुनना चाहता है ना जानना। इसके मन में वहम घर कर गया है, और दुनिया में वहम एक ऐसा रोग है जिसे कोई नहीं निकाल सकता। प्यार का सच्चा मतलब एक दूसरे को समझना होता है। मैंने तुमसे प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है। अगर तुम घर आने को तैयार हो तो मैं एडजस्ट करने को तैयार हूं।
दरवाजे पर खड़ा इंतजार करता रहा, लेकिन उसने मुड़कर एक बार भी पीछे नहीं देखा। मुझे लगता था कि वो मुझसे सिर्फ खफा है, लेकिन उस दिन पता चला कि वो मुझसे नफरत करती है। उस दिन जिंदगी ने मुझे एक बात तो जरूर समझा दी, पत्नी को शादी के बाद पति को समझना चाहिए और पति को पूरी जिंदगी उससे प्यार करना चाहिए। यह हमारी बदनसीबी है, सोसाइटी हमें ही गलत समझती है। औरत चाहे कुछ भी करे, इल्जाम सिर्फ मर्द पर ही लगता है। औरतें तो बस यही समझती हैं कि हम मर्दों को कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। अब देखो ना, तुमने कितने सवाल किए। क्या मैं शराब पीकर मारता था, सिगरेट से उसका हाथ जलाता था या मन भर गया था? ऐसे और भी सवाल होंगे। Hey, I really didn't mean it. I'm sorry. It's okay. मन हल्का कर लो। Please, मेरा वो मतलब नहीं था। It's okay, संध्या. Thanks, कार्तिक. कार्तिक, कहीं रोक सकते हो? थोड़ा सा फ्रेश होना था। फिर कभी वसु से मिलने की कोशिश की तुमने? कभी नहीं। शादी टूटने पर लड़की की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। बेचारी वसु। वो बेचारी, और मेरा क्या? तुम्हारा क्या, लड़के तो झट से दूसरी लड़की ढूंढ लेते हैं। अच्छा, इतना आसान है? तुम मुझसे शादी करो। लो लो, पियो। नहीं, ऐसा झटका लगता है। सुनो, तुम्हारी बहुत सारी फ्रेंड्स होंगी ना, उन्हें अभी यहाँ से फोन लगाओ, मेरे बारे में बताओ, देखते हैं कौन पसंद करती है। हे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम्हें क्या कमी है? नहीं ना, तो फोन उठाओ, घुमाओ। Come on, try it. Hi, संध्या. Hi, रम्या. संध्या, स्पीकर ऑन करो. क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, लाइफ इज टू बोरिंग। तू बता, क्यों यार, कोई लड़का नहीं मिला क्या? नहीं रे, अभी तक कोई नहीं मिला। सुन, मेरे साथ एक फ्रेंड बैठा है, बहुत ही हॉट एंड सेक्सी है। सिक्स फीट हाइट, सिक्स पैक बॉडी। हे प्लीज प्लीज, उस लड़की का नंबर मुझे फॉरवर्ड करना यार। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली उसकी एक बार शादी हो चुकी है, लेकिन उसका डिवोर्स होने ही वाला है। तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? उससे तू ही शादी कर ले, भाड़ में जाए वो। मैं तुझे अपनी सहेली समझ रही थी और तू मुझे सेकंड हैंड दूल्हा चिपका रही है, ऐसी की तैसी। तो मेरी सहेली है या दुश्मन? चल फोन रख। तुमने मेरी इंक्वायरी तो कर ली, लेकिन तुम्हारी पसंद क्या है तुमने बताया नहीं। एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा हो। अगर तुम मुझे मिले होते तो तुम्हें पलकों पर बैठा के रखती। तुम्हें मिस करूंगी कार्तिक। ये सब कहना बहुत आसान है। मान लो मेरी वाइफ की जगह अगर तुम होती तो क्या करती? तुम्हारी वाइफ गलत थी। बुरी आदतें या गैर जिम्मेदार हरकतों के लिए कोई किसी को छोड़ दे, ये समझ में आता है। लेकिन तुम्हारे जैसा इंसान जो अपने बीवी और बच्चों के फ्यूचर के लिए मेहनत करे ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी दे सके, ऐसे इंसान को कोई कैसे छोड़ सकता है? तुम यहाँ बैठो, मैं अनलोडिंग करके आता हूँ। अनलोडिंग? हाय मॉम। हाय भाई को गोली मारो, फ्लाइट सुबह ही आ गई और तू अभी तक नहीं पहुँची। आप तो हिम्मत वाली हो, इतनी जल्दी टेंस क्यों हो गई? मैं कोई फिरंगी को साथ नहीं ला रही। चुप कर, तुम भले ही खुद को कूल बेब समझो, लेकिन मेरे लिए तो इनोसेंट बेबी रहोगी। मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। मम्मी, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, मैं कार में आ रही हूँ। जरा होशियार रहना, अनजान ड्राइवरों पर विश्वास नहीं करना, उससे कहना थोड़ा धीरे चलाए और ज्यादा बात नहीं करना। डोंट वरी मॉम, आई एम फाइन। मम्मी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, किसी चीज के लिए आपकी राय चाहिए। मैं समझ गई, किसी मुसीबत को तो घर नहीं ला रही। घर आ रही हूँ ना, वहीं बताऊंगी। गुड नाइट।
बोर हो रही हो? कंपनी चाहिए? क्या कहा? माशाल्लाह। What rubbish are you talking? इंग्लिश में गुटरगू? थोड़ी इंग्लिश हमें भी सिखा दो जाने मन। ये पहला सबक था। बहुत खूब। बिना मेरे परमिशन के तूने मुझे टच क्यों किया? अब मेरी बारी है। अब मैं तुझे टच करूंगा, जिधर चाहूं जैसे चाहूं टच करूंगा। ओए तेरे नतीजे हो। टॉप टू बॉटम तुझ में खोट, तू चूमेगा इसके होठ। जितने अल्फाबेट अंग्रेजी में होते हैं ना, उतनी मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। आर यू रेडी? अब इस देश की लड़कियां इतनी कमजोर नहीं कि गुंडों से डरे। और ये मत भूल कि तुझे भी एक औरत ने जन्म दिया है। अगर हर एक औरत ने तुझे चाटा मारा ना, तो तू मर्द से नामर्द बन जाएगा। मैं यहाँ के एमएलए का बेटा हूँ, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अबे एमएलए मतलब पब्लिक का नौकर हुआ ना, तुझे तो जनता का रक्षक होना चाहिए, भक्षक नहीं। तेरे ये अल्फाज सुनकर मुझे उन वोटर्स पर शर्म आ रही है जिन्होंने एक वड़ा पाव खाकर तेरे पाप को वोट दिया। आज इंटरनेट का जमाना है, नेताओं के काले कारनामे जनता से छुपे नहीं है। अबे लंगूर, तू अंग्रेजी सीखने की बात कर रहा था ना, तो यहाँ एडमिशन ओपन है, पर तुझ जैसे शरारती स्टूडेंट को पनिशमेंट देने का मेरा स्टाइल थोड़ा हटके। छेड़ेगा साले, वो क्या तेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी लगी तुझको? छेड़ता है सीधी साधी लड़की को, छेड़ता है? टच करके दिखा, टच करके दिखा, चल जाना, टच करके दिखा, बहुत छेड़ने का शौक है। चलो खाना खा लेते हैं। मलाई कोफ्ता खाओ ना, यहाँ की फेमस डिश है। hey, इज्जत से बुलाओ, इनका नाम संध्या है। संध्या, आप जरा पुलिस स्टेशन चलिए, आपसे कुछ पूछताछ करनी। नहीं आएगी। hey, तू क्यों बीच में बोल रहा है, क्या लगती हो तेरी? धर्म पत्नी है मेरी। बिना मंगलसूत्र और अंगूठी के आजकल मॉडर्न जमाना है। संध्या, घर चलते हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। शादी के पवित्र रिश्ते का मतलब है कि पति पत्नी की रक्षा करें, समझा देना है मेरे को। सॉरी संध्या, मुझे इंस्पेक्टर के सामने झूठ बोलना पड़ा। भले ही वो झूठ था, लेकिन मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। काश मैं अपनी पत्नी के साथ भी कभी ऐसे किसी सफर पर जाता, तो कहानी कुछ और होती। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारे वसु से मिलने से पहले अगर हम ऐसे किसी सफर में साथ होते तो कितना अच्छा होता। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाती। Thank you.
संध्या, संध्या। सॉरी, बहुत थक गई थी इसलिए शायद आंख लग गई। मेरा घर है, आओ सबसे मिलवाता हूँ। अभी इस वक्त? हाँ क्यों नहीं, चलो भी चलो। आओ संध्या। मामा, पापा। मामा ये संध्या है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते संध्या। आपस में फ्रेंडशिप कर लो, बहू है तुम्हारी। ये मुझसे प्यार करती है और मुझे इसकी मीठी बातों से प्यार हो गया। जाकर मुहूर्त निकालिए ना। ये तुम क्या कह रहे हो कार्तिक, मैं कुछ समझी नहीं। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। जो कहानी मैंने सुनाई थी वो मेरी नहीं थी, मेरे दोस्त की थी, रवि की। वो जिस लड़की से प्यार करता था, 3.5 साल पहले उसने उससे शादी कर ली। उन दोनों का मिलन मेरे ही शुभ हाथों से हुआ था। सब कैसे हुआ? उसके बारे में बिना कुछ जाने समझे मैंने उससे शादी कर ली। वो मेरी कभी थी ही नहीं। क्या कहा? तुम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना? लेकिन उस वक्त तक हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए थे। रवि, तुम उसके बिना अलग रह पाओगे? जब वो मेरे प्यार को ही नहीं समझ पाई, मेरी कुर्बानियों को ही नहीं महसूस कर पाई, तो फिर साथ रहकर क्या मतलब? जानता है इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत कौन है? जिसका जीवन साथी सच्चा हो और हर सुख दुख में उसका साथ दे। बिना एक दूसरे को ठीक से जाने पहचाने उन्होंने शादी कर ली और सब कुछ बर्बाद हो गया। उस दिन से लड़कियां, प्यार, शादी के बारे में मेरी राय बदल गई। लेकिन तुम्हें देखते मुझे प्यार हो गया। मैं तुम्हें सपने दिखाकर तुम्हारा दिल जीत सकता था, तुम्हें अपना बना सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो। अब बताओ मैंने क्या गलत किया? सोचा शादी से पहले अगर हम एक दूसरे को परख लें तो ये मेरे लिए, तुम्हारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा रहता, इसलिए ऐसा किया। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। तुम चुप क्यों हो संध्या? गाड़ी रोको कार्तिक। पर हुआ क्या? मैंने कहा गाड़ी रोको। क्या बात है संध्या? मेरा इम्तिहान ले रहे थे ना तुम? एक लड़की थप्पड़ बर्दाश्त कर लेगी लेकिन धोखा बिल्कुल नहीं। क्या धोखा? हाँ धोखा। मैं 3 दिन से तुम्हारे साथ हूँ, तुमने एक कहानी सुनाई और मैंने एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया। बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने, मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था। पर तुम शादीशुदा हो ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी। तुम्हारी पत्नी के बारे में सुनकर मैंने खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचा कि उससे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखती, लेकिन वो सब तो एक झूठ था। लेकिन संध्या वो सब तो मैंने हमारी भलाई के लिए कहा। कैसी भलाई कार्तिक? 10 साल बाद अगर तुमने मुझसे आकर ये कहा, सॉरी संध्या, एक हैप्पी फैमिली लाइफ के लिए मैं अब तक सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, हमारा रिश्ता एक झूठ था, तो क्या? पर संध्या एक दूसरे को समझने के लिए मैंने ये सब किया। तुम मेरे बारे में जानने के लिए मेरे साथ आए ना, बताओ क्या जान पाए मेरे बारे में? संध्या मैं बताती हूँ, ये तो एक इमोशनल फूल है,
एक कमजोर लड़की है। आसानी से मुझ पर भरोसा भी कर लिया इसने। तुम्हारी लाइफ तो सिंपल होगी ना, तुम मेरे बारे में यही जानना चाहते थे ना। संध्या, तुम जो सोच रही हो गलत है। साथ रहने के लिए दो लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये बात बिल्कुल सही है, मैं समझती हूँ, लेकिन एक दूसरे के इमोशंस के साथ खेलना ये बहुत गलत है। लड़कियों को रिश्ते में क्लैरिटी नहीं, भरोसा चाहिए, और मुझे तुमसे भरोसा बिल्कुल नहीं मिला। मेरे लिए तुम्हें भुलाना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह एक एक्टर नहीं हूं। मैं भी कोशिश करूंगी। I hate you, कार्तिक। संध्या, संध्या, प्लीज। तुम्हें पूरी नजर से बचाएं, तुम पर कोई बुरा साया ना पड़े, तुम्हें और तुम्हारी माँ को किसी की नजर ना लगे, और तुम्हारे पति को भी। क्यों, तुम्हें मेरे अलावा और कौन देखेगा? रहने दो। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम कैसे हुए? ये क्या, 5 किलो का सर हिला रही है, 50 ग्राम की जबान हिलाकर जवाब नहीं दे सकती? हिंदी भूल गई क्या? अरे बेटी जाने दो, ये 5 किलो और 50 ग्राम में रात हो जाएगी। चलो चलो अंदर चलो। बिट्टू रानी, कुछ बताने वाली थी ना, और शायद तुम्हें मुझसे कुछ राय भी लेनी थी। नहीं कुछ नहीं। चल अब बता भी। मैंने कहा ना कुछ नहीं मामा, इरिटेट मत करो। संध्या, तू मुझे अपनी माँ नहीं बेस्ट फ्रेंड समझ, और एक फ्रेंड होने के नाते मैं तुझे जो कुछ भी राय दूंगी ना, वो कभी गलत नहीं हो सकती। क्या हुआ बेटा? आखिर बात क्या है? उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। ठीक है, लेकिन तू क्या चाहती है? मम्मी, आप मेरी माँ हो और दोस्त भी, आप ही मेरे लिए फैसला ले लो, आपको जो सही लगे। बेटा कार्तिक, क्या मैं संध्या से शादी की बात करूं? आओ, अरे अंदर आना, चल। मुझे शर्म आ रही है, उसे बुरा लग गया तो। संध्या, तुमने इसे पहचाना? हे, तुम गोटिया हो ना, कैसे हो तुम? वाह, इसने तो मुझे पहचान लिया। तुम इससे डरो मत बेटी, इसे एक रोग है। रोग है? और उस रोग का नाम है संध्या। जब देखो तब संध्या 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 संध्या, खाते पीते सोते जागते संध्या कब आएगी, संध्या क्या कर रही होगी, बापरे बाप, जान खा गया मेरी। तुम्हें याद है पहले तो मैं बहुत हिचकियां आया करती थी ना, यही कारण है उसका। इतना ही नहीं, इसने तुम्हारी याद में बहुत सारी कविताएं लिखी है, अगर सुनोगी ना तो पागल हो जाओगी। चलो सुनाओ एक कविता। बाद में सुनाऊंगा ना आंटी। अरे शर्माने की क्या बात है, सुनाओ ना, सुनाओ ना। इजाजत है? इरशाद। संध्या ओ संध्या, ज्वालामुखी का गर्मा गर्म लावा है तू, बेकरी के केक का मीठा मावा है तू, खेत से निकला फ्रेश लाल टमाटर है तू, उस खेत के किसान की आंखों का तारा है तू, हाथी भी तुझे देखे तो सूंड उठाकर सलाम करे। संध्या, अरे नहीं नहीं, इसमें जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ। संध्या ओ संध्या, अभी तो मूड में आया हूँ, थोड़ा पढ़ने दीजिए। तू कार है मैं तेरा पहिया, तू माउस ट्रैप है मैं तेरी चुहिया, तुम मुझे मिल गई तो लगता है जैसे मोबाइल को नेटवर्क मिल गया। तो संध्या, मेरी कविता कैसी लगी? बहुत अच्छी। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने और लिखी है, मैं सुनाऊं? वो
थक गई है, आराम करने दे। अभी बाद में सुना देना। अभी मूड बना है तो सुना देता हूं। अंकल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। चलो बोला ना। बाय। हाँ बाय। कितना अच्छा लड़का है ना, थोड़ा दीवाना है। संध्या संध्या संध्या, संध्या ही उसकी दुनिया है। तूने मुझसे कहा था ना कि मैं तेरे लिए फैसला लूं, तो मुझे लगता है कि ये लड़का तेरे लिए एकदम सही रहेगा। कोई जल्दी नहीं है, तू आराम से सोच समझ ले। जब तक तू हाँ नहीं कहेगी ना बेटा, वो इंतजार करेगा। संध्या ओ संध्या, नहीं मेरी प्यारी प्यारी संध्या। शाबाश गौतम, शाबाश गौतम। मैं जानता था तुम मेरी कविता सुनकर पागल हो जाओगी, खुद को रोक नहीं पाओगी। आओ ना और कविताएं सुनाता हूँ। नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं किसी और से प्यार करती थी, कार्तिक से, लेकिन अब हम दोनों अलग हो चुके हैं। थैंक गॉड, इट्स ओके संध्या। अलग होने की वजह नहीं पूछोगे? अगर पूछ लिया तो सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि अपने प्यार पर मुझे शक हो जाएगा। हमारे पंडित जी कभी गलत नहीं कहते। हाँ, उन्होंने अच्छा मुहूर्त निकाला। अरे सबको बता दिया ना बेटा? हाँ बता दिया है। पंडित जी के पास गए थे तुम दोनों की कुंडली मिलाने। 9 तारीख को सगाई और शादी का मुहूर्त 14 तारीख का निकला है, ठीक है ना बेटा? मैंने तुमसे तारीख के बारे में नहीं पूछा है, रिश्ते के बारे में पूछा है। मैं तैयार हूं मामा। बेटा जो हुआ उसे भूल जाओ, तुम संध्या से माफी क्यों नहीं मांग लेते? जाकर उसे मना लो। अगर कोई आपसे नफरत करता है तो उसका दिल जीतने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जो आपको समझ ही ना पाए उसके सामने सर फोड़ने से क्या फायदा। हाय संध्या। हाय। तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? श्योर। 90-300-3128। ये मेरा नंबर है। आई सेव इट। संध्या। आ रही हूँ मामा, मैं अभी आती हूँ, एक मिनट। हाँ कोई बात नहीं। माय लाइफ, देखता हूँ मेरा नंबर कौन से नाम से सेव किया है। अब क्या हो गया? ए साइड हट। हे भगवान। हाय संध्या। मेरे साथ घूमने बाहर चलोगी? मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। सॉरी गौतम, आज मेरा मन नहीं है। इट्स ओके। तुम्हारी तो पिटाई करनी चाहिए, फिर से शरारत की तो बाथरूम में बंद कर दूंगी। इतना भी नहीं जानती कि क्या खेलने की चीज है और क्या नहीं? इतने बड़े हो गए तुम। ए चुप रहो। क्या हुआ? एक्टिंग मत करो। दीदी की घड़ी घुमाती, स्कूल में यही सिखाते तुम्हें। क्या संध्या, एक घड़ी के लिए इसे डांट रही हो? जाने दो, नई घड़ी खरीद लेना। तुम नहीं जानते वो घड़ी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी। वो घड़ी तुम्हें कार्तिक ने दी थी। Ha ha ha.
आज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि में यानी नवंबर के 9 तारीख को पी मोहन राव की बेटी संध्या की सगाई जी पद्म राव के बेटे गौतम से तय की जाती है। ये मंगल कार्य आप दोनों परिवारों के इष्ट देवता के समक्ष संध्या और गौतम के अभिभावकों की शुभ उपस्थिति में सम्पन्न किया जा रहा है। कृपया अब सब लोग खड़े हो जाएं। अब लड़का लड़की एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाएंगे। हाथ बढ़ाओ बेटी। कार्तिक क्यों अलग हुए संध्या? उसने मुझे धोखा दिया था। इस वक्त तुम भी तो वही कर रही हो। बस गौतम, मुझे पूछने दीजिए। तुम्हारे हिसाब से उसने एक झूठ को सच साबित करने की कोशिश की, और तुम क्या कर रही हो संध्या? तुम भी अपने प्यार को छुपाने का गुनाह कर रही हो। मैं कार्तिक से मिला था संध्या, मैं पिछले 20 सालों से संध्या से प्यार करता हूँ। तुमसे अलग होने की मैंने उससे वजह भी नहीं पूछी। क्या मुझे खुश होना चाहिए कि वो मुझसे शादी कर रही है, या दुखी होना चाहिए कि वो अब तक तुमसे प्यार करती है? वो कब खुश होती है, कब दुखी होती है, कब उसका मूड अच्छा होता है, कब खराब होता है, ये मैं कभी नहीं जान पाया। पर एक सवाल मुझे खाया जाता है, बिना शादी किए उसके प्यार का इम्तिहान लेना तो एक सोच थी। तुमने वही किया जो तुम्हें भविष्य के लिए सही लगा, पर कभी सोचा सच पता चलने पर संध्या पर क्या बीतेगी? सोचा था, मैं समझ नहीं पाया आखिर तुमने ये सब किया क्यों? मेरे झूठ बोलने की एक ही वजह थी, दो लोगों के भविष्य को उजड़ते ना देखना, मेरा और संध्या का। शादी के बाद गलत फहमियां होती हैं तो जिंदगी बिखर जाती है, जैसे मेरे दोस्त रवि और उसकी बीवी की बिखर गई। तो फिर ये बात तुमने संध्या को क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं संध्या को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए। शादी करने के लिए सिर्फ प्यार की जरूरत नहीं होती है। अब भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, संध्या खूबसूरत है, वो तुमसे प्यार करती है, तुम भी उससे प्यार करते हो, क्या शादी करने के लिए इतनी वजह काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आजकल के जुम्मा जुम्मा चार दिन के प्यार को लोग सच्चा प्यार समझ बैठते हैं, चुटकी बजाते ही प्यार हो जाता है। आजकल प्यार व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक कहीं भी मिल जाता है। नई जनरेशन को सच्चे प्यार का मतलब ही नहीं पता है। लिव इन रिलेशनशिप नए जमाने का ट्रेंड बनता जा रहा है। मिलो, डेट करो, फिर पार्टी करो और पार्टनर को छोड़ दो, इसी को वो प्यार समझते हैं। मेरी नजर में प्यार वो है कि जिससे भी प्यार करो उसे धोखा मत दो। जिस दिन से संध्या को देखा मुझे उससे प्यार हो गया था, शादी करना चाहता था। मेरे लिए शादी का मतलब है पति पत्नी के बीच भरोसा। अच्छे इरादे से बोला हुआ झूठ संध्या समझ नहीं पाए तो पूरी जिंदगी मुझे क्या समझेगी? वो जहां भी रहे खुश रहे। एक वो है जो अपना प्यार खो रहा है फिर भी उसे किसी बात का गम नहीं है, एक मैं हूं जिसे प्यार मिल रहा है फिर भी मैं अंदर से खुश नहीं हूं। संध्या, छाती ठोक कर कार्तिक को बताने गया था कि मैं संध्या के साथ बहुत खुश रहूंगा, लेकिन अब तुमसे सगाई करते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है। जरा देखिए ना आंटी, सब लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं, पर संध्या कार्तिक के बिना कितनी दुखी लग रही है। इसे भूख लगेगी तो हम खाना परोसेंगे, पर कार्तिक इसे अपने हाथों से खिलाएगा। संध्या रोएगी तो हम उसके आंसू पोंछेंगे, पर कार्तिक इसे रोने की कोई वजह ही नहीं देगा।
कभी ये रूठी तो बिना वजह पूछे इसे मनाता रहेगा। शादी से पहले लोग हजारों झूठ बोलते हैं, पर झूठ बोलने की वजह क्या थी, उसका क्या असर पड़ेगा, ये कोई भी नहीं सोचता। तुम ये गलती मत करो। कोई झूठ अगर अच्छाई के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता, और कार्तिक के झूठ के पीछे अच्छाई छुपी थी। शादी के बाद अक्सर प्यार कम हो जाता है, पर उसका प्यार शादी के बाद भी बढ़ेगा। उसकी सोच बहुत महान है। शादी एक दूसरे की सहमति से होनी चाहिए, किसी पर गुस्सा निकालने के लिए नहीं। मुझसे शादी करके तुम कार्तिक का गुस्सा निकालना चाहती हो। तुम ये सब मत सोचो, अपने बारे में सोचो। नहीं आंटी, अगर मैंने संध्या से शादी कर ली तो हम सिर्फ नाम के पति पत्नी होंगे, हमारे जिस्म भी अलग होंगे और हमारी आत्माएं भी। सॉरी आंटी। इंसान उसी से नाराज होता है जिससे वो प्यार करता है, इसलिए तुम कार्तिक के गुस्से को नफरत की नजरों से मत देखो संध्या। उसे कभी छोड़ना मत। ये बात मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। मैं जानता हूं कार्तिक के बिना तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी संध्या। तुम किसी की मत सुनो, तुम बस अब वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। जाओ संध्या। थैंक यू गौतम। मामा, अब देर मत करो। तुम संध्या से बहुत प्यार करते हो, शायद बहुत ज्यादा। प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं है, बल्कि सच्चा प्यार तो वो होता है जो हर हाल में अपने प्यार की खुशियों पर कभी कोई आंच ना आने दे। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक कहाँ है? वो तो अभी अभी एयरपोर्ट गया है बेटा। कार्तिक के संध्या से दूर जाने के 3 महीने बाद। एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो तो है, लेकिन टीम मेंबर्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, जैसी लवर्स में होती है। लवर्स जैसी? यस, जैसी लवर्स में होती है। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे सॉल्व करो, अगर कोई गलती कर दे तो उसे माफ कर देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैं एक शॉप की ओपनिंग पर सानिया मिर्जा से मिली थी। मैंने पूछा, सानिया, तुम्हारे हस्बैंड तो दुश्मन देश से है, तो तुम बिना लड़ाई किए कैसे रह लेती हो? तो पता है उसने क्या कहा? संध्या, अगर दिल किसी को पसंद करे तो दिमाग को समझाया जा सकता है। तो आज मैंने तुम्हें प्यार के बारे में समझाया, कल मैं तुम लोगों को शादी के बारे में समझाऊंगी, ठीक है? चलो खेलते हैं, लेट्स गो। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ये कार्तिक मुझे माफ करने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं सिर्फ तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है। अंधी भैंस की तरह हमेशा प्रेम प्रेम आलाती रहती हो। भेजा है कि नहीं? अगर दिमाग है तो इस्तेमाल करो ना। हे सुनो, क्या है, मुझे माफ नहीं करोगे तुम? हम एक दूसरे को बिल्कुल मैच नहीं करते, जाने दो ना। मैच नहीं करते, मैच नहीं करते, मैच नहीं करते। दुनिया में किसी को भी परफेक्ट मैच नहीं मिलता, मैच करना पड़ता है। तुम्हें पता है तुम गुस्से में बंदर लगते हो, नाक देखो पकौड़े जैसी। ठीक है, किसी को हर्ट करो तो उसे गिफ्ट देकर मना लेना चाहिए। नहीं रहने दो, तुम गिफ्ट दे रही हो, कल मुझे भी देना पड़ेगा। शादी के बाद डिमांड करोगी, मुझे स्टोन की रिंग दोगी, बदले में डायमंड की लोगी, मुझसे ना होगा। ये बकवास बातें किसने कही तुमसे? तुमने मुझसे झूठ कहा, लेकिन हमारी भलाई के लिए कहा ना। तुमने इतनी एक्टिंग की, मुझसे प्यार करते थे इसलिए ना। रहने दो, तुम्हारे ऊपर से मेरा भरोसा उड़ गया है। तुमसे शादी करके लगता नहीं मेरा भविष्य सुखी रहेगा, अपनी नहीं जमेगी। बाय। हेलो मिस्टर कार्तिक द ग्रेट, रुको, तुम्हें मेरी कसम। क्या है? तुम्हें मेरी कौन सी आदत पसंद नहीं है, प्लीज बता दो,
मैं उसे बदल दूंगी, लेकिन मुझे ऐसे अवॉइड मत करो, बर्दाश्त नहीं होता। समझ में नहीं आ रहा है, बस इतनी सी बात पे मान गया? यस। और उसके बाद सिर्फ मौजा ही मौजा था। शूज का मौजा? Oh, 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 oh,